सर, बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो चुका है, एक बड़ा पत्रकार और एक छोटा पत्रकार, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि बड़ा पत्रकार कौन है, छोटा पत्रकार कौन है, और सरकार ने किस पत्रकारों को के दायरे में लिया है। हमारे यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर अतिथि उनको पूछना चाहेंगे, बड़ा पत्रकार पत्रकार कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेखनी उसका मजबूत होना और पारदर्शी होना चाहिए, और पारदर्शिता ही पत्रकारिता का पूंजी है। और बहुत से लोग अभी तो कुछ पत्रकार लोगों को बदनाम भी कर चुके हैं, लेकिन खैर उसको दरकिनार करके आज जो समारोह में हम लोग सम्मिलित हुए, हमारे प्रेम युद्ध फाउंडेशन के बड़े भाई प्रेम जी के साथ बड़ा अच्छा आनंद लगा। और आज जो कार्यक्रम हुआ, 150 लोगों को सम्मानित किया गया WJI की ओर से, नरेंद्र भंडारी जी के बहुत बड़ी अति त्याग तपस्या, और सारे लोग लगे हुए थे, पवन संजय उपाध्याय जी थे, हम बढ़िया से परिचित भी नहीं हुए हैं किसी पदाधिकारी से, लेकिन एक बैग हमको आमंत्रित किया गया, आए, अच्छा लगा। पूरे देश भर के पत्रकार यहाँ जमे हुए थे, और पत्रकारों की जहाँ तक समस्याएं, तो पत्रकारों को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे पत्रकार के नाम पर कई संस्थाएं देश भर में कार्यरत है और चल रही है, लेकिन अब तक पत्रकारों का के बारे में, पत्रकारों के हित के बारे में, पत्रकारों के भोजन रोटी के बारे में, पत्रकारों के पेट के बारे में किसी ने कुछ किया नहीं, और कहीं या उनको सफलता नहीं मिली या ऊपर से कोई ऐसा उनको कुछ मिला नहीं। पत्रकारों के जितने भी पद हैं केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, उसमें सारे राजनीति लोग वो क्या बोलता है उसको हाईजेक किए हुए हैं, वो पूरा एकदम जमा जम करके बैठे हुए हैं, जबकि विधान पार्षद में हमारे पत्रकार खेमा से जाते हैं विधान पार्षद बन के, राज्यसभा में जाते हैं सांसद बन के हमारे पत्रकार खेमा से, इन पत्रकार के मुद्दों को आज तक न कोई संसद में उठाया, न किसी राज्य के विधान परिषद में उठाया या विधानसभा में उठाया, यह बड़ा ही दुख की बात है। हम लोग दूसरे की समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन अपनी समस्या से हम लोग